हम जा रहे हैं मरीना बे सैंड्स। स्पेशलिटी ये है कि आप वहाँ से पूरा का पूरा सिंगापुर देख सकते हैं। गाइस, ये रहा स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक 56। ओके, थैंक यू। सिंगापुर आ रहे हैं तो जरूर इस प्लेस को विजिट करें। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं, हमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, मतलब वॉल्स पे ही परफॉर्मेंसेस देख रही हैं अगर आप देखोगे। दोस्तों सामने बिल्कुल ना मर्लिन टाइगर है, इसमें देख नहीं रहा है, मैं जूम करूंगा तो, बट क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, सो इट्स डे 4 एंड आज हम वापस गार्डन बाय द बे की तरफ आए हैं, बट गार्डन बाय द बे नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं मरीना बे सैंड्स। आयरन मैन का खिलौना यहाँ पर आ गया सफाई करने के लिए। जो मरीना सैंड्स है दैट इज़ अ होटल, एक होटल है, 5-star होटल। स्पेशलिटी ये है कि आप वहाँ से पूरा का पूरा सिंगापुर देख सकते हैं, कंप्लीट सिंगापुर सिटी का व्यू वहाँ से आपको दिखता है। और अभी हम नीचे की तरफ हैं, तो दोस्तों ये सामने अगर आप देख सकते हो, एक ये बोटिंग एरिया है जहाँ पे आप चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं। 13 सिंगापुर डॉलर पर पर्सन, ये देखिए सामने, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब सामने जो आप एकदम देख सकते हैं लास्ट बोट, उससे थोड़ा सा आगे का एरिया है। बेसिकली हम जो विज़िट करने आए हैं वो हम करने आए हैं ऑब्जर्वेशन डेक। एक्चुअली मरीना बे सैंड्स की जो है 3 बिल्डिंग्स हैं, तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है प्रॉपर। तीनों बिल्डिंग के ऊपर एक कंबाइंड रूफ है, रूफ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, शिप काइंड ऑफ बोल सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन डेक उसको नाम दिया गया हुआ है। और स्काई पार्क, ऑब्जर्वेशन डेक स्काई पार्क, जहाँ से आप कंप्लीट सिंगापुर सिटी का व्यू ले सकते हैं। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक के पास पहुंचने वाले। ये देखिए आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये होटल के चेक इन काउंटर हैं एंड इट्स अ वेरी ह्यूज होटल। ग्राउंड में तो ह्यूज शॉप्स हैं, अलग अलग बहुत ही टॉप ब्रांड्स हैं, हर तरह के अपैरल, शूज, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। उसके अलावा ये जो लॉबी है ये पूरा चेक इन लॉबी है, इसमें भी कुछ शॉप्स हैं आई थिंक। तो स्काई पार्क जाने के लिए हम एग्जिट कर रहे हैं। गाइस, ये रहा स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक, वापस नीचे जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, सैंड स्काई पार्क, और दिखा दूं मैं आपको ऊपर, ही देखिए वहाँ जाना है हमें, ऊपर, बिल्कुल ऊपर 56 फ्लोर पे है आपका स्काई पार्क, जहाँ से पूरा सिंगापुर दिखेगा। बाकी दिखता कैसा है वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। ये सामने टिकट काउंटर है, बस हमने ऑलरेडी एडवांस में टिकट परचेज करी हुई है, तो अगर आपको टिकट परचेज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप दिस वे टू एंट्रेंस ऑफ स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक। और सामने है लिफ्ट जहाँ से हम ऊपर जाएंगे। सो गाइस, नाउ गोइंग टू एंटर इन द लॉबी। सो दोस्तों हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। लिफ्ट आ गया। जोगी, स्काई पार्क, स्काई पार्क 56। ओके, थैंक यू। जोगी, स्काई पार्क, स्काई पार्क। तो दोस्तों स्काई पार्क आ गए हैं, अब यहाँ से हमें दिखेगा पूरा कंप्लीट सिंगापुर, तो देखते हैं दोस्तों। वैसे तो कंप्लीट सिंगापुर देख पाएंगे। जुगू, ओए नहीं, जुगू गलत बात, गंदे बच्चे, अभी यहाँ पे भी गोदी चाहिए, देखो।
तो दोस्तों, अगर आप सिंगापुर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन डेक ज़रूर 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 आएँ। ये है आपका मरीना बे सैंड्स होटल के ऊपर बनाया गया है। मरीना बे सैंड्स होटल जो है उसकी 3 बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन डेक बनाया है, जिसे स्काई पार्क भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कम्प्लीट पूरा का पूरा सिंगापुर का व्यू देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं सामने कोस्टल एरिया है, वहाँ से अगर आप नज़र घुमाते हैं तो पूरा कम्प्लीट सिंगापुर व्यू आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। आप यहाँ आने के लिए टैक्सी से भी आ सकते हैं, बाय मेट्रो आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं एडवांस में। अदरवाइज़ यहाँ पर होटल के अंदर एक सेपरेट काउंटर है जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। बट अगर सिंगापुर आ रहे हैं तो ज़रूर इस प्लेस को विज़िट करें। तो गाइज, अभी हम खड़े हैं जस्ट अपोजिट मरीना पे। तो दिन में हम घूमने गए थे, मैं गया था वाइफ के साथ, वापस घर गया फ्रेंड के साथ। अभी फ्रेंड को लेके आ गया, फ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ सुबह, जिसके यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ फ्रेंड के यहाँ पे। इन्हीं को हमने सारी तकलीफें दे रखी हैं। और अभी सुबह मुझे लेके आया कि चलो मैं नाइट लाइफ दिखाता हूँ, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे थे घूमने के लिए। तो अभी आप देखेंगे हमारे पीछे शो चल रहा है। एग्जैक्टली हम मरीना बे के जो अपोजिट साइड है और राइट साइड में हमारे क्लार्क स्ट्रीट है ना, क्लार्क स्ट्रीट बोलेंगे। और ये देखिए बैक साइड में भी शो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, हमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, मतलब वॉल्स पे ही परफॉर्मेंसेस देख रही है अगर आप देखोगे। तो दोस्तों, ये है सुपर ट्री गार्डन बाय द बेस के अंदर, जिसके अंदर इवनिंग शो होता है जो आप एंजॉय कर सकते हैं सिंगापुर में। एंड दिस इज़ द मस्ट अटेंडेंस, आप ज़रूर अटेंड कीजिए इस शो को। शाम को 7:45 एंड 8:45 पे दो शोज होते हैं और बहुत ही बढ़िया शो है। देखिए क्या लाइटनिंग है सामने। अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो भी आपको बहुत चीज देखेगा। देखिए बहुत ही बढ़िया म्यूजिक आप इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए लाइटिंग, देखिए एकदम से आएगा। ये देखिए नाइट शो, इवनिंग शो एंड सुपर ट्री। तो अगर आप सिंगापुर आते हैं, ये देखिए ऊपर ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इवनिंग शो में $10 का टिकट ले सकते हैं। इसमें आपको आपको इस ब्रिज का एक्सेस मिलेगा और आप इस ब्रिज से भी शो को अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे तो आप देखिए कितनी सारी भीड़ है। 100 बात की एक बात, अगर आप सिंगापुर आते हैं तो गार्डन बाय द बे आइए, उसको एंजॉय कीजिए और ये नाइट शो तो ज़रूर 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 अटेंड कीजिए। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगापुर आए हैं, नाइट में निकलते हैं, तो आपको जगह जगह परफॉर्मेंसेज दिखेंगी, जगह जगह शोज दिखेंगे। आप क्लार्क स्ट्रीट पर आइए, मरीना बे की साइड रहिए, आपको शोज मिलते रहेंगे। तो देखिए सामने दोस्तों शो स्टार्ट हो चुका है मरीना बे पर, बट अभी हम वो देख नहीं पाएंगे बिकॉज हम बहुत दूर हैं वहाँ जाने के लिए। जब तक हम जाएंगे तब तक शो खत्म हो चुका होगा। यार ये बहुत अमेजिंग है यार, मस्त लग रहा है। दीवार पे, वॉल पे जो पूरा डांस, ये सामने दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, ये है एम्पी थिएटर, मेन थिएटर है। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह होती है और बेसिकली नाइट लाइफ आप फुल एंजॉय कर सकते हो सिंगापुर में। दोस्तों देखिए सामने, दिन में जब हम गए थे ऊपर स्काई पार्क पे, तो वहां पे ऊपर इस टाइम पे लोग चारों तरफ का नजारा देख रहे होंगे। दोस्तों सामने बिल्कुल ना मर्लिन टाइगर है, इसमें देख नहीं रहा है, मैं जूम करूंगा तो बट क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। तो इट्स अ नाइस प्लेस, आप आ सकते हैं, थोड़ी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। एंड सिंगापुर आ रहे हैं तो आई मस्ट रिकमेंड दिस प्लेस कि आप यहाँ पर आएँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए, अभी जितना हो सकता है हम चीज़ें कवर करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो अभी स्टे ट्यून, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।